मालिक जो एक खेत में काम कर रहा लड़का, मुझे लगता है इसी ने ऋषि को कहीं छुपाया है। अच्छा यही है? हाँ। तो बताते साले को। चलिए। अबे ओए ओए, कहाँ है ऋषि बता? साले कहाँ है ऋषि? ऋषि कौन ऋषि? नहीं नहीं, मैं कोई ऋषि को नहीं जानता। देखो हमें बता दो, हमें पता ऋषि तुम्हारे पास आए। ना नहीं। मतलब तू ऐसे नहीं बताएगा? तोड़ो साले की हड्डियाँ, देखता हूँ कैसे बताता है। भैया 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 भैया, इसका मतलब ये ऋषि है, तुमने इसका नाम बदल दिया। नहीं, ये ऋषि नहीं है। भागमन, जितना दूर हो सके भाग जा। पकड़ो उसे। साल तुमने उसे भगा दिया, अब तू मर। सत्यम सत्यम, क्या हुआ मेरे भाई? सत्यम क्या हुआ? और लोग आ गए, अमन अमन को बचा लो। वादा करो अमन को कुछ होने नहीं दोगे, उसका ख्याल रखोगे। यार ये तो मिल नहीं रहा है, अब मालिक को क्या जवाब देंगे? यार ये तो बहुत चिल्लाएगा, हमारे पैसे भी नहीं देगा। या तो ऐसा करें, हम बोल देंगे कि हम उसे पकड़े थे मगर वहाँ पर पुलिस आ गई तभी वो भाग चला। हाँ भाई, ये ठीक रहेगा। चलो यार, कितना हरामी बच्चा था साला, हमसे बच के भाग निकला। मालिक मालिक, हमने उसे पकड़ा था मगर वहाँ मौके से पुलिस आ गई और हम लोग भाग निकले। अच्छा जाने दो, कौन सा उसे कुछ पता होगा, उस लड़के की बात से लग रहा था उस ऋषि, अरे उस अमन को कुछ पता भी होगा। पानी 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 पानी। भगवान, आपने क्या किया? मेरा भाई भी साथ नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ? अमन अमन रुको, अमन अमन रुको, अमन। यार ये तो अमन नहीं है, कहाँ ढूंढूं मैं इस बच्चे को? Thank you.
भगवान, इस मासूम से बच्चे को खोजते खोजते मैं थक गया हूँ, अब तू ही कुछ कर। भगवान को चला देना, आपका भला होगा। अमन, यहाँ क्या कर रहा है तू? इतने दिनों से मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। धन भैया, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने इसे मिलवा दिया। चल मन, यहाँ से जल्दी चल। इधर आ, इधर आ, तू बैठ। भैया भैया, लोगों ने भैया को बहुत मारा। हाँ अमन, जानते हैं हम, हमें सब पता है, तुम चुप हो जाओ। भैया, आपको सब पता है? हाँ। तो ये ऋषि कौन है जिसके लिए उन लोगों ने मेरे भैया को इतना मारा? भैया भैया, सब बताओ, उन लोग कौन थे और ऋषि कौन है? और ऋषि तुम ही हो। मैं? मेरा नाम तो अमन है ना? नहीं, और ना ही सत्यम तुम्हारा सगा भाई है। ये कई साल पहले की बात है, मैं और सत्यम घर में बैठे थे, तभी तुमको किसी ने दरवाजे के पास छोड़ दिया था, और साथ में एक प्रॉपर्टी का फाइल था जिसमें लिखा था, तुम्हारे जान को खतरा है, हम तुमको सुरक्षित रख लें। तुम किसी अमीर आदमी के बेटे हो, तुम्हारे चाचा ने प्रॉपर्टी के चक्कर में तुम्हारे पिताजी को मार दिया, और वो तुम्हें भी मारना चाहता था, लेकिन तुम बच गए। तब से लेकर आज तक सत्यम ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, और वो तुम्हें अपने सगे भाई जैसा मानता था, पर अब मेरा दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं, ये सब कदर झूठ है। नहीं, ये सब सच है। तुम्हारा चाचा श्याम तुम्हारा 50% प्रॉपर्टी हड़प चुका है, अब वो तुम्हारे सिग्नेचर करवा के तुम्हारे बचे हुए प्रॉपर्टी भी हड़पना चाहता है। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं पुलिस के पास जाऊंगा। नहीं अमन, अभी सही समय नहीं है, तुम बच्चे हो अभी, तुम्हारा जान मैं खतरे में नहीं डाल सकता। पर भैया। पर कुछ नहीं, सत्यम चाहता था खुद के दम पर पढ़ लिख कर तुम नाम कमाओ, ना कि अपनी प्रॉपर्टी से। हाँ भैया, सही कह रहे हैं। मैंने तुम्हारा बाहर शहर में रहने खाने पढ़ने का सबका इंतजाम कर दिया है, यहाँ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, अब तुम बाहर रहकर पढ़ाई करोगे और अच्छी नौकरी भी। ठीक है भैया। मुझे श्याम की पूरी डिटेल शाम तक चाहिए, एट एनी कॉस्ट। सर, आज की डील हमारी कंपनी ने क्रैक कर ली है, ये सब सिर्फ आपकी बदौलत हुआ है। ये मेरे ही नहीं बल्कि पूरी टीम की वजह से हुआ है। यस सर। इट्स ओके, चेक फॉर नेक्स्ट डील। थैंक यू सर। कम सर, बताइए। हमारा एक काम करोगे? जी। मैं एक नंबर तुम्हें व्हाट्सएप कर रहा हूँ। जी सर। इसका नाम श्याम है, इससे बोलो हम इसके प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं, इसे जितने रुपए चाहिए हम देंगे, अगर इसे पसंद है तो हमें शाम में आके मिल सकता है। ओके सर। हेलो सर, मैं ऋषि प्राइवेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, श्याम जी से बात हो रही है? जी सर, मेरे सर हैं, उनको आपकी जो प्रॉपर्टी है वो पसंद आ गई है, तो क्या आप बेचने में इंटरेस्टेड हैं? सर, आपको मुंह मांगी रकम मिलेगी। ओके सर, शाम को आप आ जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वो मान गए? अरे मानेगा क्यों नहीं, लालची जो है। मतलब? कुछ नहीं, अपना काम करो। ओके सर, मैं जाऊँ? ओके। हाँ, बस आ ही रहा होगा, आधे घंटे और बचे हैं, देखते हैं। लो आ गया, बात बात करते हैं आपसे। वाह, क्या नजारा है। सर, मैंने कैमरा लगा दिया एकदम। ओके। हेलो सर, आइए बैठिए। सर, ये श्याम जी हैं। सर, आपकी प्रॉपर्टी में हमारे सर का बहुत इंटरेस्ट है, आप कितने में बेचना चाहेंगे? सर, वो क्या है ना, वो हमारी पुश्तैनी जमीन पे घर है, हम जरा। आप अमाउंट बोलिए। 1 करोड़। सर, 3 करोड़। 5 करोड़। अच्छा ठीक है सर, हम बेचने के लिए तैयार हैं, पर अमाउंट जरा। 10 करोड़। बस बस, बहुत है सर, बहुत है सर। अरे रुकिए सर, पहले इस पे साइन तो कर दीजिए। हाँ हाँ, लाइए, क्यों नहीं लाइए। ये क्या है सर? ये एक छोटा सा वेरिफिकेशन प्रोसेस है। अच्छा।
हाँ हाँ, आजकल लोग प्रॉपर्टी के चक्कर में क्या क्या नहीं करते हैं, यहाँ तक कि जान भी ले लेते हैं किसी की। अरे सर, आपको पसीना आ रहा है कहीं? आपने भी तो ऐसा कुछ नहीं किया। अरे नहीं नहीं, हम तो बहुत साफ सुथरे इंसान हैं, ऐसा करने को सोच भी नहीं सकते। जी आप ऐसा कुछ कहाँ कर सकते हैं, आप तो कर चुके हैं। क्या मतलब है आपका? आज से 15 साल पहले दिन बुधवार को एक प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में तुमने सत्यम नाम के लड़के को मार डाला, क्यों? तुम्हें कैसे पता? भाई तुम ऋषि तो नहीं हो? हाँ चाचा जी, मैं वही हूँ जिसके लिए आपने इतना साल इंतजार किया और मेरे पिताजी को मरवा डाला। हाँ ली थी जान, क्या सबूत है? और तो और तेरे बाप को भी मैंने मारा था, उसने तुझे छुपा कर बचा तो लिया। जा, क्या कर लेगा मेरा? इंस्पेक्टर अंदर आ जाइए, इसमें इसकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें इसने सारे गुनाह कबूल किए हैं। अब चाचा जी जाके जेल में रहिएगा क्योंकि आपके रहने के लिए अब घर नहीं बचा। क्या क्या मतलब है तेरा? अरे सर, अभी तो आपने अपनी प्रॉपर्टी इनके नाम की है। नहीं